अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये मल्टी फंक्शनल किट है 32 पीस का और इस सीरीज़ की मैं आज सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं राउंड बीड फूट को यूज़ करके दिखाने वाली हूँ और इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो मैंने गैदरिंग फूट की शेयर की है आप लोगों से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये फूट फाइबर का है और इसमें पीछे की तरफ गैप दिया हुआ है जिसमें बीट्स आसानी से पार हो सकें। वैसे ही बीट्स या फिर बीट्स वाला लेस यूज़ करना है जो आसानी से इसके पार हो सके। इससे हम कोई भी नेक पे डिज़ाइन बना सकते हैं या दामन या स्लीव या मोहरी, किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं फैब्रिक को। और अब इसके लिए प्रेशर फुट को चेंज करेंगे। प्रेशर फुट जैसे नॉर्मली चेंज होता है वैसे ही चेंज कर लेंगे और उसके बाद अब इसमें जिगजैग स्टिच सेलेक्ट करेंगे। ये मैं जिगजैग स्टिच सेलेक्ट कर ले रही हूँ और अब ये मैं फैब्रिक ले रही हूँ जिस पे मैंने पीछे की तरफ पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है। पेपर पेस्टिंग चिपकाने से कपड़े में फिनिशिंग आ जाती है अगर हम कोई भी डेकोरेटिव स्टिच या फिर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो। और इसको अब धीरे धीरे चलाकर देखेंगे कि सुई टकरा तो नहीं रही है बीड्स में। उसके बाद हम फिर नॉर्मली धीरे धीरे स्टिचेस को कर लेंगे। इस तरह से जिगजैग होता जाएगा और हमारी बीड अटैच होती जाएगी। और इस सीरीज़ के आने वाले और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बीड्स बहुत ही फिनिशिंग से और आसानी से अटैच हो गई हैं और बीड्स खुले नहीं, इसलिए किनारे पर एक्स्ट्रा धागा रखेंगे बीड्स का, जिसको पीछे की तरफ नॉट कर लेंगे। इस तरह से नीडल में डालकर पीछे की तरफ सिक्योर कर लेंगे ताकि बीड्स खुले नहीं। और अब बीडिंग फूट के यूज़ से हम एक और डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह की पतली डोरी को यूज़ कर करके भी डिज़ाइन बनाई जा सकती है बीडिंग फूट के ज़रिए। ये भी आसानी से और फिनिशिंग से अटैच हो जाती है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।